नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल सकूंगा। इस बार तो हमने कमिट करा हुआ है कि पैरेलल में हम एआई के साथ दे देंगे, तो प्लीज ये मत करिएगा। कम से कम हमने 10-12-15 बच्चों को ये प्रॉमिस किया हुआ था और हम हमेशा ऐसा करते रहे। तो अगर ऐसी पॉलिसी फिर हम फॉल में अनाउंस करके बोलेंगे कि बगैर एआई के नहीं देंगे, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। प्लीज चले जी, वेलकम बैक। तो वीवर एट दिस स्लाइड, राइट? इस स्लाइड पे थे हम। जी ये दो मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या चीज हो रही है इन दोनों मेथड्स में, परफॉर्म फ्लाई में और परफॉर्म क्वैक में? जल्दी बताओ। सर दो मेथड बने हुए जो इंटरफेस के जो प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहे हैं, इंटरफेस के मेथड कॉल हो रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। तो वी आर कमिटिंग आवरसेल्फ्स टू अ सुपर टाइप, सही है ना? ये वाली क्लास को भी नहीं पता, यानी डक की क्लास को भी नहीं पता कि परफॉर्म क्लास में क्या कॉल होगा और परफॉर्म क्वैक में क्या कॉल होगा। ये सिर्फ किसको पता होगा? ये कंसर्न सब क्लास को पता होगा। बात आ रही है समझ में? और मैंने आपसे कहा था जब ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग, याद है? यस सर। अल्लाह का शुक्र। नीचे क्या हुआ? पब्लिक वॉइड स्विम, स्विम के मेथड को इन्होंने डिफाइन कर दिया है और एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्विम का मेथड सारी सब क्लासेस को यूज करना होगा, इसलिए उन्होंने उसकी इंप्लीमेंटेशन भी इधर ही कर दी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछे। सर मतलब स्विम क्लास में जो है ना वो डायनेमिक बाइंडिंग भी हो गई। अबे स्विम तो क्लास में है ही नहीं, स्विम तो क्लास ही नहीं है, स्विम तो एक मेथड है। कौन सी क्लास का? डक की क्लास का एक मेथड है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट ने खुद कर दी है। तो अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्विम को कॉल करेगा तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी मिलेगी? पेरेंट की ही मिलेगी, पेरेंट वाले की। ऑल डक्स फ्लोट इवन डिकॉज लिखा हुआ आ जाएगा, डिकॉज। और ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा। अगर इसको ओवरराइट करना होता हमें तो हम इसको भी एब्स्ट्रैक्ट रखते, अगर सबको ओवरराइट करना होता, या इसको फिर हम डिस्प्ले की तरह रखते ना सर। हाँ डिस्प्ले की तरह रखते। और अगर अगर हम चाहें तो अभी भी इसको ओवरराइट करवा सकते हैं, तो जो क्लास ओवरराइट करेगी उसका ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ओवररिडन वाला चल जाएगा, और जिस क्लास में ओवरराइट नहीं हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये वाला चल जाएगा, पेरेंट का चल जाएगा। हाँ पेरेंट का चल जाएगा। बेटा बहुत वीक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के वास्ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सही करो। कैसे कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ तुम लोग तफरी कर सकते हो? तुम्हारे 11 कोर्सेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, 40 कोर्सेज में से 10 से 11 कोर्सेज में किधर ना किधर लगती है। खुदा के वास्ते कॉन्सेप्ट सही करो मेरी जान, मुझे बहुत तुम लोगों की टेंशन होती है, अफसोस भी होता है कि अब देखो ना, जो एक बच्चा अच्छा है पढ़ने वाला जो सारे जवाब दे रहा है उसको भी वही टीचर मिले जो और लोगों को मिले। तो चलो हम लोग बहुत बुरे सही, तुम्हारे टीचर कमीने सही, एक नंबर के निकम्मे सही, बकौल तुम्हारे तुम लोग तो साले समझते हो कि नौकरियां नहीं मिली तो पढ़ाने आ गए। हालांकि मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम पढ़ाने से मुश्किल कोई टास्क नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तुम जो समझ लो। लेकिन सवाल ये है कि जब वो दूसरा बच्चा कर पा रहा है आप नहीं कर पा रहे, तो आपके एंड पे भी तो कोई गलती है ना मेरी जान, उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ भाई जान? समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? एक बात है बस, यही कहानी है आजकल। उनको मैं बड़ा सुनता हूँ ना, तारिक मसूद साहब को तो बार बार कहते हैं आ रही है समझ में, नहीं आ रही तो मेरी भी आदत हो गई है, मैं ये कहने लग गया।
अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आएक भाई किसके ट्यूशन चल रहे हैं घर में? दिस दैट देन कौन आप पढ़ा रहे हैं किसी को या कोई पढ़ रहा है? ऐसे बचपन में आपको पढ़ाया गया होता तो आज हालात अच्छे होते काफी। है फाइज भाई, फाइक भाई माइक खुला रख के रखते हैं, भूल गए। चलो चला गया मेरे ख्याल में किसी और को मुंह देने के लिए और यहाँ क्लास भी अटेंड हो रही है। खैर एनीवेज आप लोगों की वीडियो बन गई है, मैं इसको अपलोड पे लगा दूं एक सेकंड। आज क्या 28 तारीख है ना आज? जी भाई स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन? हेलो, चलो वेरी गुड। इधर आइए, इसको देखें। मोहम्मद बिलाल खान साहब मौजूद है सर? जी सर। बताइए क्या हो रहा है? सर इंटरफेस बना है आपका फ्लाई बिहेवियर का। वेरी गुड। और ये क्या किया? सर फ्लाई का मेथड बनाया है। फ्लाई का मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, इंप्लीमेंट नहीं करा। यहाँ पे क्या किया सर? ये आपका फ्लाइंग विद विंग्स का जो है वो इंप्लीमेंट करा है फ्लाई बिहेवियर के साथ। फ्लाई विद विंग्स की क्लास बनाई, फ्लाई विद विंग्स की क्लास बनाई जिसने इंप्लीमेंट करा फ्लाई बिहेवियर को। अगर सी शार्प होता तो क्या होता? फ्लाई बिहेवियर को इंप्लीमेंट्स के बदले सर कोलन लगा होता, इनहेरिट होता। ये भी इनहेरिट ही हो रहा है बेटा, लेकिन इंप्लीमेंट का वर्ड लग रहा है वो कोलन के साथ। सिंपली उसमें कोलन लगता है सी शार्प। एक्सटेंड सिर्फ क्लास के लिए लगता है। किसने एक्सटेंड? अलीजा ने बोला था ना, अलीजा बेटा एक्सटेंड सिर्फ क्लास के लिए लगता है। इंटरफेस से जब इनहेरिट करते हैं तो जावा में इंप्लीमेंट्स लिखते हैं और सी शार्प में कोलन ही लगाते हैं। ओके सर, ठीक है। इंटरफेस सी शार्प का तो पता है। यस सर, इंटरफेस के लिए आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अ क्लास हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम एन इंटरफेस। आप ये भी कह सकते हैं अ क्लास हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम एन इंटरफेस। बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर करेक्ट। दुनिया में कोई आपको गलत नहीं कह सकता। पब्लिक क्लास फ्लाई विद विंग्स इंप्लीमेंट्स फ्लाई बिहेवियर। कौन बता रहा था मुझे, कौन बच्चा था? यस सर मैं बिलाल। हाँ बिलाल भाई, ये क्या हो रहा है नीचे पब्लिक वॉइड फ्लाई में? सर एक मेथड बनाया है फ्लाई का, उसमें हम सिंपली जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन कराते हैं, यहाँ पे जावा में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन होता है। फ्लाई का मेथड जो डिफाइन हुआ हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी फ्लाई विद विंग्स ने, या फिर उसने उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। यस सर, टेक्निकल वर्ड में यूज करो ना। जितनी भी सब क्लासेस जो फ्लाई बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेंगी उन सबको फ्लाई का एग्जीक्यूटेबल कोड देना पड़ेगा। फ्लाई के पास इधर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, इधर सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोड जितनी भी क्लासेस इस इंटरफेस से इनहेरिट होंगी उन सबको देना पड़ेगा। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड है जो इस कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड है। एक कह रहा है आई एम फ्लाइंग, दूसरा कह रहा है आई कैनॉट फ्लाई। ठीक है भाई, ओके सर। सर इसको ओवरलोडिंग बोल सकते हैं? ओवरराइडिंग है ना बेटा, ओवरलोडिंग कहां से आ गई? ओवरलोडिंग नहीं होती सर। ओवरलोडिंग हमेशा विद इन द सेम क्लास होती है, या कंस्ट्रक्टर की होती है या मेथड की होती है। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा दूं तुम लोगों को क्या फिर से सालों? ऐसे ऊट में मैंने सोचा था जब फिजिकल क्लासेस चल रही थी कि एक 4-5 घंटे की एक मुझे वर्कशॉप लेनी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, लेकिन फिर वो मैं मसरूफ इतना हो गया, तुम लोगों के मसाइल इतने होते थे जब मैं कैंपस में होता था कि वो मैं उस टाइम पे ले नहीं सका। चलो मेरा इरादा है मैं इंशाल्लाह वर्कशॉप लूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरे लिए ऐसा है कि ये मैं एक साल तक पढ़ा सकता हूँ।
हर हफ्ते 3 घंटे की क्लास होगी और हर बार नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, यानी मैं इतना इससे, मुझे इतना इससे लगाव है। खैर एनीवेज, ये बात समझ में आई सबको? इसमें कोई सवाल? नो सर। ये ओवरराइडिंग कहलाएगी, ओवरलोडिंग कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बेसिक निशानी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की, ओवरराइडिंग में मेथड का प्रोटोटाइप हमेशा सेम रहता है। ये देखो, जैसा ये प्रोटोटाइप है, ये वाला प्रोटोटाइप भी सेम है और ये वाला प्रोटोटाइप भी सेम है, और हमेशा मल्टीपल क्लासेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवरलोडिंग में हमेशा विद इन द सेम क्लास रहते हैं, और मेथड का या कंस्ट्रक्टर का जो प्रोटोटाइप है, जो फर्स्ट लाइन है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। ये फर्क होता है ओवरलोडिंग में और ओवरराइडिंग में। जी भाई कोई सवाल? नो सर। चले सही है। यहाँ इसको देखें गौर से, अब इसको आप लोग देखें 3-4 मिनट। जी हजरात, यहाँ कुछ बताने की जरूरत है? नहीं सर, सेम पीछे वाला बिहेवियर की तरह ही है। पीछे वाली इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी फर्क नहीं है। वो सिर्फ किसके लिए के था? वो फ्लाई बिहेवियर के लिए था। ये किसके लिए? क्वैक बिहेवियर के लिए। क्या आ गया है कि तीन क्लासेस, इसमें तीन इम्प्लीमेंटेशन है। तीन इम्प्लीमेंटेशन है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, ये बच्चा जो जवाब देते हैं ना, तीन इम्प्लीमेंटेशन ही अच्छे लगते हैं जवाब सुनने में, टेक्निकल जवाब लग रहे होते हैं। किसी का कोई सवाल इसमें बेटे? इसको देखें, चार मिनट बाद हो सकता है मेरी लाइट जाए, तो मैं फिर मोबाइल से कनेक्ट करूंगा और फिर आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर करा दे ये वाली। ये स्लाइड्स को आज किसी भी हाल में खत्म करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें फैक्ट्री का भी शुरू करने का मेरा इरादा था, तो अब देखो क्या होता है। यस सर, सही है। ठीक है जी, अगर ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या हो रहा है अलीजा, बताओ। यस सर, सिंपल मेन में वो ऑब्जेक्ट बना के, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या कहते हैं इस क्लास को, क्या कहोगी? मिनी डक सिमुलेटर कौन सी क्लास है? टेस्ट क्लास। सही है, सुपर क्लास है, वेरी गुड। टेस्ट क्लास किसने कहा? इसको टेस्ट क्लास भी कह सकते हैं, इसको क्लाइंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस क्लास में मेन मेथड होता है या जिसमें फॉर्म के पीछे सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, उसको टेस्ट क्लास या
क्लाइंट क्लास दोनों में से जो नाम दे रहा हूँ आप दे बेस्ट क्लास बिल्कुल सही है. फिर मेन मेथड में क्या किया आपने? मेन में इसका ऑब्जेक्ट बना के दोनों परफॉर्म क्विक के और परफॉर्म फ्लाई के मेथड को कॉल करवा दिया. बिल्कुल सही है. तो ऑब्जेक्ट बनाने में कोई चीज डिफरेंट लगी तुम्हें? वो क्या है वो बताओ. सर लार्ड डक को इंस्टेंशिएट करा है. डक मतलब डक कहां चला गया? डक के ऑब्जेक्ट. हां जी. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्या कहोगी? कौन मुझे जवाब दे रहा था? इल्सा. सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. हां तो इल्सा बताओ क्या हो रहा है ये, इसमें कोई यूनिक? सर मलार्ड डक को इंस्टेंशिएट करा है हमने. तो जुमला ऊड में भी बताया, ऊप में भी बताता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ. एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ पैरेंट कैन इंस्टेंशिएट फॉर एनी ऑफ द सब क्लासेस. यहाँ नजर आ रहा है डक क्या है? डक पैरेंट क्लास. यस सर. ये जो डक है ये पैरेंट क्लास है. पैरेंट क्लास का टाइप है, नाम रखा ऑब्जेक्ट वेरिएबल का मलार्ड और कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर लिया? मलार्ड डक का कॉल कर लिया. इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के पीछे डक की जितनी भी सब टाइप थी कोई भी कॉल हो सकता था. सही है? ठीक है ना. कोई भी कॉल हो सकता था जितनी भी सब टाइप थी. मलार्ड को परफॉर्म करवाया क्वैक और मलार्ड को परफॉर्म करवाया फ्लाई. इम्प्लीमेंटेशन कौन सी मिलेगी? जो उसके रिस्पेक्टिव इंटरफेसेस के थ्रू हुई भी होगी. क्लाइंट क्लास को भी नहीं पता किसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी, ना वो जानना चाहता है, बस उसको ये पता है इम्प्लीमेंटेशन कौन सी मिलेगी इसको भी नहीं पता. और पैरेंट क्लास को भी नहीं पता था डक की, सिर्फ किसको पता है? मलार्ड की जो कंक्रीट क्लास है उसको पता है. आ रहे हैं समझ में? सर ये मलार्ड डक की इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकते आप? ये लो. नहीं मलार्ड की इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई. तो सर ये जो डक की प्रॉपर्टी है जिसमें ये हमारा वो एग्रीगेट हुआ है, तो उसको ये मलार्ड डक के कंस्ट्रक्टर में ही ये इनिशियलाइज करा रहे होंगे? हाँ करवाया था ना, बल्कि देखा था हमने इसका कंस्ट्रक्टर. यार मैंने तुमसे कहा भी था कि कंस्ट्रक्टर में इसने ये दो काम करे. कहाँ चला गया कोड था इसका मेरे ख्याल में? एक सेकंड लेट मी सी. अरे डायग्राम से ऊपर. हाँ ये रहा ना, ये आ गया देख लो. देख लो ना मलार्ड के कंस्ट्रक्टर में क्वैक बिहेवियर में न्यू क्वैक आया हुआ है और फ्लाई बिहेवियर में फ्लाई विद विंग्स आया हुआ है. तो यहाँ पर इसने सीधा सीधा क्या काम किया है? यहाँ पर इसने सीधा सीधा जो है परफॉर्म क्वैक को और परफॉर्म फ्लाई को कॉल किया हुआ है. बेहतरीन. खूबसूरत लग रहा है कोड? नहीं लग रहा. नहीं इम्प्लीमेंटेशन देखो ना, लॉजिक देखो ना कितनी जबरदस्त बनाई है. ये सिर्फ एक पैटर्न है अभी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ. ऐसे 24 सोचे हैं गैंग ऑफ फोर ने. ऐसे 24 अलग अलग डिजाइन पैटर्न सोचे हुए हैं. ये तो एक है ना सिर्फ 24 गैंग ऑफ फोर ने 24 डिजाइन पैटर्न रिकमेंड करे. जी सर ये जो डक की क्लास में हमारे पास दो जो बिहेवियर के वो हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, तो इसको हम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए एक मेथड नहीं होना चाहिए जो उसको इनिशियलाइज कराए? क्यों इनकैप्सुलेशन टूट जाती है ऐसे आपने बताया था, अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट ना हो तो? नहीं ना, लेकिन सब क्लास के अंदर हो जा रही है ना प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी किसी और जगह पे तो नहीं जा रही, इनकैप्सुलेशन तो ब्रेक नहीं हो रही. ओके अगर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप हो तो फिर उसके लिए मेथड होना चाहिए ऐसा? नहीं, अगर मेरी पेरेंट क्लास जो है वो कॉन्क्रीट है, सही है ना, और उससे मैं इनहेरिट करूंगा, तो डेफिनेटली अगर कोई तीसरी क्लास सब क्लास को कॉल करेगी तो उसके एनकैप्सुलेशन को वो ब्रेक कर देगी. ओके. मेरी एक पेरेंट क्लास है, उसके नीचे दो सब क्लासेस हैं. पेरेंट क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, पेरेंट क्लास को भी कॉन्क्रीट रख लिया, सब क्लास को भी कॉन्क्रीट रख लिया. अब मैं क्लाइंट क्लास बनाता हूँ तो जो बेशक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाती है, लेकिन उसके पास पेरेंट की भी सारी चीजें उठ के आ जाएंगी चाइल्ड के तवस्सुल से. तो इसीलिए रूल ऑफ थंब हमें क्या कहता है? रूल ऑफ थंब हमें ये कहता है कि हमें कभी भी इनहेरिट करना हो तो हम या तो इंटरफेस से करें या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से करें.
ओके सर। आई ये शहजाद सवाल करता है या एक दो और बच्चे सवाल करते हैं और लोग पहुंच पाते हैं उसके सवालों तक? जी सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड शाबाश जी। कोई सवाल और इसके अंदर? मलाड ने परफॉर्म क्वैक कॉल करा है और परफॉर्म क्वैक कहाँ डिफाइन हुआ हुआ था? परफॉर्म क्वैक यहाँ पे इतना सा डिफाइन हुआ है डक की क्लास में, और मलाड डक की क्लास में तो हमने इसको डिफाइन ही नहीं करा, लेकिन मलाड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको पता चल गया कि क्वैक बिहेवियर के पीछे किसको कॉल करना है, क्वैक को कॉल करना है, क्यों क्वैक को कॉल करना है। तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोड मेरी जान हो नहीं सकता। अब मैं तुम लोगों को क्या ऐसा करूँ कि तुम लोगों का इन चीजों में दिल लगना शुरू हो जाए, बस बात वही है। खैर देखिए इसमें और कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। कोई सवाल बेटा? चलो इसको देखो, डायग्राम क्लियर है? वही डायग्राम है लास्ट टाइम भी देखी थी। अब डक सिम्युलेटर की क्लास सिर्फ इधर लेफ्ट साइड पे ऐड हो गई है, तो डक सिम्युलेटर सिर्फ दो क्लाइंट यानी सिर्फ दो क्लास टेस्ट क्लास सिर्फ दो क्लासेस को कॉल कर रही है, डक को कॉल कर रही है और मलाड डक को कॉल कर रही है। इसका किसी और से कोई रब्ता नहीं है, ये इसका आउटपुट आएगा। क्लियर है? जी सर। चले इसको देखें, चेक इन में क्या कह रहे हैं, किस चीज का ख्याल रखने को कह रहे हैं। अब उसने बोला कि डायनामिक बिहेवियर बेशक जो है हमने डक के कंस्ट्रक्टर के अंदर, सही है ना, यानी मलाड डक के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो है हैंडल किया है सारा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये डक की क्लास के पास भी ये ऑप्शन हो कि वो उस डायनामिक बिहेवियर को चेंज कर सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही है, यानी पहली बार वो फ्लाई करी, अगली बार हम चाहते हैं वो फ्लाई ना कर सके या कुछ और चेंज करना चाहते हैं। प्रॉब्लम समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर। यानी क्यों फिक्स करें हम इसके अंदर भी डायनामिक नेचर देना चाहते हैं। ये रहा जवाब इसका, चेंजिंग द डक्स बिहेवियर आफ्टर इंस्टेंशिएट आफ्टर इंस्टेंशिएशन सेट द डक्स बिहेवियर टाइप थ्रू अ म्यूटेटर मेथड। म्यूटेटर कौन से मेथड होते हैं ये भी पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को पूरी स्लाइड्स में। गेट सेट। हाँ, जब मैंने गेट सेट के मैथ, गेट नहीं बोल सकते, म्यूटेटर का मतलब होता है सेट। ओह यस यस। एक्सेसर का मतलब होता है गेट और म्यूटेटर का मतलब होता है सेट मेथड्स। ठीक है, ये देखें, हाँ जी
इसमें कोई सवाल? भाईजान सर अभी देख नहीं, खूबसूरत कोड अगेन। और लोग भी देखें इसको। जी भाई, तो सेट फ्लाई बिहेवियर और सेट क्वैक बिहेवियर के लिए हमने पैरामीटर्स यूज करे एफबी के नाम से और क्यूबी के नाम से, और उस पैरामीटर में जो वैल्यू पास हुई उसको हमने फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर के बराबर करा दिया। अरे ये बात, ये मेथड हमने डक की क्लास में ऐड करे, चाइल्ड क्लास में भी ऐड नहीं करे, डक की क्लास में ऐड कर लिए। अब देखो हुआ क्या, यहां देखें एक और हमने क्लास बनाई मॉडल डक के नाम की, जिसको हमने डक से इनहेरिट करवाया पहली लाइन में। फिर हमने इसके कंस्ट्रक्टर में फ्लाई बिहेवियर में इसको फ्लाई नो वे कर दिया, और क्वैक बिहेवियर में क्या कर दिया, क्वैक कर दिया। डिस्प्ले मेथड में हमने कह दिया कि आई एम अ मॉडल डक। ये बात सबको समझ में आती है? मॉडल डक यानी उड़ नहीं सकती और क्वैक कर सकती है। अब हमारा क्लास डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। सर एक चीज पूछनी है। जी बेटा बोलो। सर वो ये कि अगर हम फ्लाई बिहेवियर इक्वल टू एफबी नहीं करते, डायरेक्ट हम एफबी इक्वल टू जो काम हमने मॉडल डक में किया वो काम हम डायरेक्ट कर देते, तो पॉसिबल नहीं था सर ये? जैसे ये वाला काम अगर हम नहीं करते जो भी आप दिखा रहे हैं स्लाइड्स, बेटा इससे फायदा क्या होगा? मॉडल डक। हाँ बोलो बोलो, मैं फिर जवाब देता हूँ। बोलो सवाल करो फिर से। हाँ इतना ही बोल रही थी कि अगर हम डायरेक्ट जो है वो मॉडल डक की क्लास में ही इंस्टेंशिएशन कर देते और ये वाला काम स्केप कर देते तो क्या? तो हमने वही किया हुआ था ना बेटा, मलाड डक के अंदर भी और मॉडल डक के अंदर भी। मॉडल डक भी हमने मलाड डक की तरह बनाई है, सही है ना? मॉडल डक में भी हमने क्या काम किया, आप ये देखें, हमने फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर को इंस्टेंशिएट कर दिया ऑब्जेक्ट बनते ही। हम ये नए डिजाइन पे क्यों जा रहे हैं?
हम नए डिजाइन पे इसलिए जा रहे हैं कि हमने कहा कि हमने एक डक को कोई एक फंक्शनैलिटी दे दी है, अब हम चाहते हैं कि बाद में रन टाइम के ऊपर उसके पास ऑप्शन हो कि वो फंक्शनैलिटी चेंज कर सके। इसके लिए हमने क्या बनाया, इसके लिए हमने डक की जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसमें म्यूटेटर्स ऐड करें और वो म्यूटेटर्स ये रहे, नजर आ रहे हैं? जी सर, जी। और इनको भी हमने जनरल रखा है, जनरल रखा है, इनको भी सुपर टाइप पे रखा है। इनको यूज कैसे करेंगे वो अभी देख लेते हैं। यूजेज मैंने अब तक आपको उसका नहीं बताया, लेकिन ये तय है कि अगर मॉडल डक बनेगी तो उसको फ्लाई नोवा मिलेगा और क्वैक मिलेगा। ये क्लास डायग्राम होगा, यहां तक समझ में आता है? इसको देखें, अब हम चाहते हैं कि मॉडल डक क्या कर सके, फ्लाई कर सके, फ्लाई कर सके। अगर मॉडल डक फ्लाई करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, हमने एक और क्लास बना ली जो इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है, सही है, और उसने अपने हिसाब से फ्लाई मेथड को क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। इसने कह दिया आई एम फ्लाइंग विद अ रॉकेट, सही है ना, ये हमने एक एडिशन करा हमारे इंटरफेस की सब क्लास पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो यहाँ पर दो तीन तीन हो गए दोनों के, क्वैक के तो पहले ही तीन थे, क्वैक स्क्वीक और म्यूट क्वैक था, फ्लाई बिहेवियर के भी तीन आ गए, ये दिख रहे हैं, fly with wings, fly in over, और तीसरा क्या आ गया, fly rocket powered, ठीक है ना। तो ये हमने एक क्लास बढ़ा दी, और हमने करा क्या, यहां पर हमने मेन चीज करी, इसको देखें, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या क्या नाम था बच्ची का जो सवाल करी थी, इल्सा नहीं नहीं कौन, इल्सा इल्सा, ये देखो एफबी को फ्लाई बिहेवियर पे रखा हुआ था, तो अब उसके आर्गुमेंट में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, पहले वो फ्लाई नोवे कर रही थी, अब हमने म्यूटेटर यूज करते हुए क्या करा, फ्लाई रॉकेट पावर्ड कर दिया, और फिर दोबारा नीचे क्या काम किया, फिर दोबारा नीचे हमने परफॉर्म फ्लाई कॉल करके देख लिया, आ रही है बात समझ में सर? ये ऑब्जेक्ट चेंजिंग इस क्लास की तरह ही काम कर रहा है ना? जी बेटे, ये ऑब्जेक्ट चेंजेस इस क्लास की तरह ही काम कर रहा है ना? ये ऑब्जेक्ट किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास, नहीं है ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास, नहीं है ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास, तो एक मसला होता था ना, वो मसला ये होता था कि अगर इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर मैंने ऐसी गलती कर दी है कि मैंने एक पेरेंट की कोई एक सब क्लास इंस्टेंशिएट कर दी है, और अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे उस सब क्लास के बदले किसी और सब क्लास को इंस्टेंशिएट करवाना है, तो इस मसले को हम ऑब्जेक्ट चेंजिंग इस क्लास का मसला कहते थे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। हाँ, ये आप कह सकते हो ये ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास का सोल्यूशन दे रहा है, और सोल्यूशन थ्रू इंटरफेसेस दे रहा है, ये आप कह सकते हो, क्योंकि इससे ओआरड में जो हमने करा था वो हमने डेलीगेशन के थ्रू करा था, उस इसी मसले को हल, ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास को इधर हम इंटरफेसेस के थ्रू कर रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल,
लेकिन उसमें इंटरफेस के अलावा और चीजें भी है ना जी जी सिर्फ उसके वो कॉन्सेप्ट नहीं है जी भाई इसमें और कोई सवाल रिकॉर्ड लड़का है नया साधन सॉरी साधन साधन आया है दूसरी आईडी का स्टूडेंट साधन आ रहे यस सर दूसरी आईडी का स्टूडेंट है वो आप देख लें सर बताया तो था कल आपको मैंने हाँ तो क्या हुआ आने दो ना कोई मसला नहीं है सही है तुम लोग साथ से कोई कंप्लेन तो नहीं है ना साधन नहीं सर कोई कंप्लेन नहीं है पढ़ा तो अच्छा रहे ना हाँ सर पढ़ा सही मतलब ऑटोमेटा बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने ये थोड़ा सा डीपी थोड़ा सा और आप पढ़ा भी थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे ना आप जैसे स्ट्रेटजी पैटर्न पढ़ा रहे ना वो एक्सपर्ट आ जाएगा उसको वो अभी शुरू कराएगा वो एक हफ्ता लेट चल रहा है मतलब उसने फैक्ट्री पहले करा दिया ना आपको जी 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 हम लोग साथ हैं मिड टर्म का पेपर सेम बनेगा आप लोगों ओके तो हम लोग साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मिड टर्म का पेपर भी इस बार इंशाल्लाह ऐसा बना रहे हैं कि वो कॉपियां चेंज करके आपने एक दूसरे को जो बांट के फाइनल दिए थे ना वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा डायनामिक सवाल आएंगे सारे उठ के हर किसी के पास अलग अलग हालत छंट हो जाएगी तुम लोगों ये होने वाला है पेपर देख के इंतकाल और हम कहेंगे ये तो होगा खैर चलो इसमें कोई सवाल है तो पूछो तो फिर इस तरह नाइंसाफी नहीं आई किसी आसान सवाल आ गया किसी मुश्किल आ गया अरे सारे सवाल ऐसे होंगे बेटा तू टेंशन ना ले तू देख तो सही इस बार मैं करता क्या हूँ स्प्रिंग में तो तुम लोगों ने अय्यूब लतीफ का रूप ही नहीं देखा सही है ना जाने दिया हमने सबको आंखें बंद कर ली बहुत हो गया अब तो ऑनलाइन सिस्टम में इतनी जान मार रहा हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम में तुम लोगों को एक एक क्लास पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रिपेयर कर रहा होता हूँ तो इंशाल्लाह इस बार देखो इस बार तो आई विल नॉट लेट यू पीपल गो लाइक दिस मैं तो तीन तीन कोर्स रिवाइज करवा रहा हूँ इसमें ऊप करा रहा हूँ ऊट करा रहा हूँ डीपी अलग करा रहा हूँ 11 पैटर्न्स पढ़ाने पूरे 11 पैटर्न्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मुझे साथ चलोगे साथ चलो तफरियां करते रहोगे जैसे अब तक कर रहे हो तो बस फिर आगे जाके भुगतोगे 6 हफ्ते हो गए आज मेरे हिसाब से 3 हफ्ते हो गए समर में लेकिन वो 6 के बराबर है चलिए इसको देखें डायग्राम को लेस देन अ मिनट है मीटिंग कटती है तो मैं 4:22 हो रहे हैं मेरी घड़ी पे तो 4:23 पे हम जा रहे हैं तो 4:43 के आसपास में आता हूँ आप लोग भी रोटी छोटी खाइए फिर इसको खत्म करके इंशाल्लाह आप लोगों का बाय बाय ले लेते हैं और अगर टाइम बच जाता है तो फिर फैक्ट्री शुरू कर देते हैं वरना फिर अगले सैटरडे को फैक्ट्री शुरू करें सही है भाई तो सी यू एट 4:43 इंशाल्लाह ठीक है भाई चलें अल्लाह हाफिज़